Students will start a quick revision for chapter 2 polynomial. Polynomial is denoted by p of x, and certain polynomials are there. The first of that is ax plus b. Okay, this is x with a degree 1. Degree 1 hai, toh ye kya hota hai? Linear polynomial. Okay, agar aap p of x is equal to likhenge ax square plus bx plus c, degree 2 hai, तो ये होता है quadratic polynomial. And p of x is equal to, अगर आपके पास है ax cube plus bx square plus cx plus d, then it is called cubic. It is called cubic polynomial. अब आपको कई बार पूछेंगे कि x cube के आगे coefficient क्या है? ये क्या होता है? Coefficient होता है. Coefficient and degree. Degree इसका क्या है? What is the degree here? Linear का degree क्या होता है? 1. यहाँ पे degree क्या होता है? 2. यहाँ पे degree क्या होगा? 3. So कई first exercise में ऐसे question है, find the degree. Degree find करना है, तो highest power देखना है. Highest power कितना है? इधर 3. इधर कितना है? 2. इधर कितना है? 1. तो degree की पहचान कैसे होती है? Highest powers. कई बार पूछ लेंगे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, अगर ये पॉलीनोमियल की बात करूं तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू 0. व्हाट इज एक्स टू 0 बेटा? एक्स टू 0 मतलब क्या होता है? एक्स टू 0 मतलब कुछ नहीं, कांस्टेंट. कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है? तो डी. यहां पे कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या है? तो सी. यहां पे कांस्टेंट कौन है? या फिर एक्स टू 0 का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट का मतलब आगे जो नंबर आता है वो को, but x to 0 का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट. कई बार सवाल कांस्टेंट के फॉर्म में भी पूछ लेंगे, बराबर. चलो आगे. सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द टाइप ऑफ पॉलीनोमियल. अब इसका ग्राफ क्या होता है ये भी समझा देता हूं. व्हाट इज द लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन. क्वाड्रेटिक का क्या होता है? या तो फिर कॉनकेव अपवर्ड आता है, या फिर क्या होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड. वो डिपेंड करता है a की वैल्यू के ऊपर. क्वाड्रेटिक की बात चल रही है. अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? कॉनकेव अपवर्ड. अगर a लेस देन 0 होगा तो ये क्या होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड. क्यूबिक का ग्राफ n शेप होता है. n से क्यूबिक का ग्राफ होगा n से ऐसा कुछ. ओके, अब जीरोस की बात होती है. हाउ टू फाइंड जीरोस? अगर जीरोस फाइंड करना है तो लीनियर पॉलीनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो वो देखो. सपोज आपके पास पॉलीनोमियल है. नाउ जीरोस, जीरोस के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 है. सो व्हाट इज जीरोस? टेक इट इक्वल टू 0. जीरोस का मतलब कुछ नहीं है, x एक्सिस को टच करते हुए पॉइंट. X axis को touch करते हो point पर, मतलब take it 0, you will get 2x is equal to what? -3. So x is equal to -3/2. This is zero of the linear polynomial. अगर हम quadratic की बात करें, ये पहला था. Second, if you take a quadratic equation, say suppose p of x is equal to x square plus 3x plus 2. तो आप chapter 4 quadratic पर पूरा पढ़े हो. Zeros find करना तो क्या करेंगे? Equal to जीरोस फाइंड करना है तो क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो x स्क्वायर प्लस 2 वन जा क्या होगा? 2 वन जा 2, 2 प्लस 1 क्या होता है? 3. सो 2x प्लस x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, हां प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से कॉमन क्या निकलेगा? x. दिस इज x प्लस 2, प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, प्लस 1. सो दिस इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So this is x plus 2, x plus 1 is equal to 0. So now you take it equal to 0. If you take it equal to 0, then x is equal to kya hoga? Minus 2. X is equal to kya hoga? Minus 1. So ab dono ke graph kaise honge bolo? Ye linear hai to kya hota hai? Straight line. Kaun se point pe touch karega? This is -3/2. Ye jo point hai wo kya hai? X is equal to 0's का मतलब x एक्सिस को टच करते हुए पॉइंट.
ओके यहाँ की बात करेंगे तो ये इसका ग्राफ कैसा होगा बोलो. I'm just showing a rough graph. These are not the pair. लेकिन चलो माइनस टू माइनस वन. सो ये कौन से जगह पे टच करेगा? ये माइनस टू है, ये माइनस वन. यहाँ से कुछ कम ऐसा नहीं मिलेगा. वन के बप्पर क्यों हुआ? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? वन. पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ये ऊपर की साइड आएगा. अगर नेगेटिव होता तो वो क्या आता? नीचे की साइड. इज इट क्लियर? सो जीरोस की बात हुई. ओके नाउ इफ यू पुट जीरोस इन द पॉलीनोमियल. चलो जीरोस का इंटरप्रिटेशन क्या है? नाउ इफ यू इंटरप्रेट जीरोस, चलो यही पॉलीनोमियल में अगर मैंने पी ऑफ एक्स आपको दिया है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. वेरीफाई दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आर जीरोस ऑर नॉट, जीरोस ऑफ पी एक्स ऑर नॉट. ऐसा भी सवाल बोर्ड में आ चुका है. तो ये जीरो है कि नहीं है वेरीफाई करना है. तो आपको क्या करना है? सिर्फ पी ऑफ माइनस टू रखो. चलो पी ऑफ माइनस टू रखने के बाद क्या होगा? माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू. क्या हुआ? माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस सिक्स प्लस टू, मिला के सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. तो यस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स. अब दूसरा चेक करना माइनस थ्री. तो माइनस थ्री है कि नहीं? तो पी ऑफ क्या रखेंगे? माइनस थ्री. सो ये होगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू. सो ये क्या होने वाला बोलो? माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होता है? नाइन. माइनस सिक्स प्लस टू, नाइन प्लस टू थ्री थ्री नाइन. माइनस नाइन प्लस नाइन प्लस टू ये क्या हो गया? टू, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री इज नॉट जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स. सो ऐसे सवाल बोर्ड में आ चुके हैं कि भाई जीरो है कि नहीं है, जीरो है कि नहीं है. तो जीरो है कि नहीं है वो उसमें क्या करना है? माइनस टू रख दो. अंदर क्या रखेंगे? माइनस टू अंदर रख देंगे या माइनस थ्री रखेंगे? अगर वो जीरो आ जाता है, पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो. देन यू कैन राइट इट एज माइनस टू इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल. अगर जीरो नहीं है तो वो जीरो नहीं आएगा. मतलब ये माइनस थ्री रखा आपने, गैप माइनस थ्री एंड यू गॉट, माइनस थ्री रखने के बाद क्या मिला आपको? टू. मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल. अब फैक्टर एंड जीरो में डिफरेंस क्या है? फैक्टर एंड अगर मुझे चेक करना है कि भाई एक्स एक्स प्लस टू इज फैक्टर फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट, पी ऑफ एक्स यही दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू. अब इसका ये फैक्टर है कि नहीं जो आपका सवाल है? फैक्टर है कि नहीं है एंड जीरो है क्या? फैक्टर से जीरो फाइंड करो. एक्स प्लस टू है फैक्टर, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या ले लो? जीरो. सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस टू. सो आपको क्या रखना है? पी ऑफ माइनस टू, पी ऑफ माइनस टू. इफ यू पुट पी ऑफ माइनस टू, दिस इज माइनस टू, माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस टू. माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर. माइनस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? सो आपको क्या जस्टिफिकेशन देना है कि यस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू. अब ये जो हेडिंग स्टार्ट हुआ वो फैक्टर का हो गया, आगे वाला जो था वो कौन सा था? जीरोस फाइंड करो एंड जीरो है कि नहीं वो चेक करो. अब ये क्या है? एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर, तो फैक्टर को क्या ले लेंगे? इक्वल टू जीरो. You put x equal to minus 2 in the polynomial, you got 0, so you will write x plus 2 is a factor of p of x. Okay, your next question is this, कि ये factor है कि नहीं है? तो factor है कि नहीं है, इसलिए पहले किसको पकड़ो? Factor को. किसको पकड़ना है? Factor को. What is the factor? 3x plus 7 equal to 0 ले लो. So 3x is equal to क्या आया? Minus 7. तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस सेवन बाई थ्री. एक्चुअली हम डिवाइड ही कर रहे हैं. व्हेन यू आर पुटिंग दिस वी आर डिवाइडिंग एंड व्हेन यू आर पुटिंग दिस वैल्यू इन पी ऑफ माइनस सेवन बाई थ्री, व्हाटएवर आंसर यू गेट इज योर रिमाइंडर.
इज योर, आपको पता है जब ये फैक्टर होते हैं, फैक्टर अगर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। जैसे कि आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 8 का फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 4 2 क्या होता है, रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। सो इन द सेम वे अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है, जीरो। तो वैल्यू रख के चेक करो, चलो -7 पैसे रखेंगे, सो 6 इनटू -7 बाय 3 का क्यूब प्लस 29 इनटू 29 है ना, -7 बाय 3 प्लस 44 इनटू -7 बाय 3 प्लस 21। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, चलो। सो 6 इनटू 7 का क्यूब क्या आता है, ये तो माइनस होगा ही होगा, 7 का क्यूब क्या आता है, आई डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस एट दिस, ये रिमाइंडर 0 आया, तो यू कैन से दैट 3x क्या था हमारा, 3x प्लस 7, दिस इज 3x प्लस 7 इज फैक्टर ऑफ योर x। ओके, सो पहली एक्सरसाइज में फैक्टर वाले सारे जो केस है वो खत्म हो गए। तो पहली एक्सरसाइज से ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में, राइट? बोर्ड में क्या था, तो जीरो। नाउ रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, what is next topic, relationship between sum and the product of the between the zeros, sum and the product of zeros and coefficient of polynomial। अगर आपको याद है तो चलो, अगर आपके पास quadratic equation है ax square plus bx plus c, इसको आपको zero find करने आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल किया था, दो जीरो आए थे, कौन से आए थे, व्हाट वाज द पॉलीनोमियल आई कंसीडर्ड, बोलो p ऑफ x कौन सा था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके आपने फैक्टर क्या निकाले थे, बोलो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, तो इसका एक नाम दे दो अल्फा, एक नाम दे दो अल्फा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -1। सो पहले सम, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है, अल्फा प्लस बीटा विल बी नथिंग बट माइनस बी बाई ए, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो इसका एडिशन करो, बोलो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बोलो -2 -1 क्या होता है, -3। डायरेक्ट करेंगे, ये आपने एडिशन फाइन मेहनत करके किया है, डायरेक्ट मैं करूंगा माइनस बी बाई ए, तो यहां पे माइनस करके बी कौन है, बी कौन है 3, ए कौन है 1, सो -3 बाई 1 इज व्हाट, -3। मेहनत करके भी क्या आया, -3 आया, एंड डायरेक्ट यहां से यहां लिखेंगे फॉर्मूला याद करके तो भी क्या आएगा, -3 आएगा कि नहीं आएगा। सो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई, सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई। और ये केस में अल्फा इनटू बीटा क्या होगा, मेहनत करके अल्फा इनटू बीटा -2 इनटू -1 मिला के क्या होता है, -2 इनटू -1 दैट इज इक्वल टू 2, एंड व्हाट इज सी हियर, सी कौन है इधर, so alpha into beta is equal to c by a, that is equal to 2 by 1। okay, so एक ही rule है, अगर sum of the zero product of the zero find करना है तो this is the formula you should remember, MCQ के लिए भी काम का है, sum of the zero product of the zero, ये था quadratic का, ये किसका था, quadratic का। okay, next polynomial is p of x is equal to होता है a x cube plus b x square plus c x plus d, तो यहाँ पे तीन root,
कितने मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो मैं सब पहले सम ऑफ द रूट करूंगा, सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू वही है माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ पे बी कौन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। बी कौन है, एक्स स्क्वायर, वो था क्वाड्रेटिक, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आता है। ये था क्यूबिक, तो क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या लिखोगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, सो दिस इज माइनस बी बाई ए ही है, वो जो याद रखा है वही है। लेकिन बी इधर समझना है तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो, ये लिख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज बी। बी कौन होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए कौन है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट। देन कम्स सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई। लेकिन यहाँ पे सी कौन है, एक्स का कोएफिशिएंट है, वहां पे कौन था, कांस्टेंट था, यहाँ पे कौन होता है सी बाई ए। लेकिन ये लिख लो, अगर कंफ्यूजन आता है तो ये लिख लो, तो सी कौन है वो पता चल जाएगा। सो व्हाट इज दिस, इसका नाम क्या, अल्फा बीटा, बीटा गामा गामा अल्फा का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट अ टाइम, मतलब दो दो लेने हैं और उसका सम, अल्फा बीटा आ सकता है, बीटा गामा आ सकता है, गामा अल्फा आ सकता है, और उसका एडिशन, तो वो क्या होता है सी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर आप ले लो अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जीरोस, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। डी कौन है इधर, कॉन्स्टेंट, एंड ए तो हर बार एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ही जा रहा है, इज इट क्लियर। सो ये भी सवाल एमसीक्यू में बन सकता है, 110% एमसीक्यू में ही आएगा, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में कम इन एमसीक्यू फॉर्म। ओके फर्दर चलो, एक सवाल है जो हर कई बार मेरे सामने आया, लेकिन अभी आपको पूछूंगा तो शायद दिक्कत करेगा। सी, अगर पॉलीनोमियल ले लेते हैं हम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, एंड दिस इवन बीटा है। ओके, दिस इज अ पॉलीनोमियल गिवन टू यू एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, जीरोस ऑफ पी एक्स, फाइंड फाइंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, बोलो कौन करके देगा। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, नहीं, इसका मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये क्या, इधर क्या आएगा बीटा, इधर क्या आएगा अल्फा, ये दोनों कहाँ जाएगा ऊपर, सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ऊपर, एंड नीचे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हुआ सम ऑफ द जीरो, एंड ये क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो क्या होता है माइनस बी बाय, मतलब माइनस फाइव बाई वन, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय, मतलब फोर बाय वन, सो आंसर इज माइनस फाइव बाई फोर। ये एमसीक्यू, एक भी बच्चा ये डाउट लेके नहीं आया मेरे पास, ये डाउट में आना चाहिए था। वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, हाँ या ना, इसलिए तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। चलो दूसरा, ये जीरोस वाली बात हो गई, अब अगर आपको सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है, ये क्या फाइंड किया हमने, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फाइंड किया। अब क्या करेंगे, ऐसे सवाल बोर्ड में आ चुके हैं कि भाई इफ सम ऑफ जीरो इज थ्री एंड प्रोडक्ट इज फाइव, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज फाइव, तो फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल, मतलब आपको दिया अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है थ्री, एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है फाइव, सो सीधा पॉलिनोमियल लिखना, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बेटा,
आपको फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, इसका मार्क है k into ये होगा x square minus 3x plus 5, this is your polynomial, this is your polynomial, मतलब sum of the zero and product of the zero दिया है, उसके ऊपर से polynomial find करना, तो कैसे करेंगे? ये कहाँ है ये सवाल से? If polynomial cubic polynomial is given, say suppose 3x square, 3x cube plus 4x square plus 5x minus 3, चलो आपको पूछा है 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma लाओ, चलो तो इधर क्या आएगा? बीटा gamma, इधर क्या आएगा? अल्फा गामा, इधर क्या आएगा? अल्फा बीटा, तो ये हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, ये कौन है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट अ टाइम, पहला कौन था? माइनस बी बाय, ये हो गया सी बाय, सी कौन है तो लिखो ए एक्स क्यूब, ए बी सी डी, सी बाय 5 बाय 3 अपॉन माइनस बी बाय, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3 बाय 3, 3 बाय 3 कैंसिल, आंसर इज 5 बाय 3, समझ में आया? है सिंपल, लेकिन एक भी बार आपने किया नहीं है तो इट विल बी टफ फॉर यू, ये एग्जाम में यही आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या आ गया सर, अब इसका फैक्टराइजेशन निकालने जाएंगे तो 5 मिनट का सवाल हो गया है, सिंपल, लेकिन आप बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो इट विल बी टफ फॉर यू, सो दिस आर दिस काइंड ऑफ एग्जांपल आर देयर इन माय टेम्पलेट एज वेल, इफ यू हैव टाइम गो एंड सॉल्व दैट टेम्पलेट चेक, ओके चलो प्रोबेबली लास्ट टॉपिक डिवीजन, डिवीजन ओके, अब अगर मैं वही सवाल 3x plus 7 है, डिवाइड डिवाइड 4x cube plus 3x square plus 7x plus 8 by 3x plus 7. तो division करना है तो इधर क्या लिख लोगे मैं 3x plus 7. आपको बोलेंगे find remainder. तो remainder find करने का वो भी तरीका है. कौन सा वाला? आगे किया कि नहीं? X की value रखो. Answer जो मिला that is your remainder. अगर factor होगा तो 0 आएगा. Factor नहीं होगा तो कुछ value आएगी. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है, चलो 4x cube plus 3x square plus 7x plus 8, चलो division 9th standard से start हुआ है, ये पहला point, ये पहला है 4x cube upon 3x, तो ये cancel हो के क्या आने वाला है 4 by 3, क्या आएगा 4 by 3 x square, तो ये हो जाएगा 4 by 3 into this, so this will be 4x cube, 4 7s are 28, 28 by 3x square, ये minus, ये minus, चलो ये cancel किया, अब plus minus ये देखना, कई बच्चे ये minus का circle करते नहीं, circle नहीं करते तो भूल जाते हैं, आपको circle करके इसको लिखना है, तो आपको याद रहेगा कि this is plus minus minus, so 3 minus 3 minus 28 by 3 मिला के क्या होता है, इधर LCM लेंगे तो 3, 3 is a 9 minus 28 divide by 3, ये क्या होता है बोलो, 9 minus 28 क्या होता है, minus 19 by 3, so this is minus 19 by 3 x square plus 7x, अब पहला term क्या है हमारा, minus 19 by 3, minus 19 by 3 is your first term, right? So minus 19 by 3x square divide by 3x, ये एक x x गया, इधर कुछ नहीं है 1, तो ये 1 कहाँ जाता है ऊपर, और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, so ये हो जाएगा minus 19 by 9 x, क्या बचा यहाँ पे x square का एक x बचा ना, so ये cancel, so this is minus 19 by 9 x, so ये होगा minus 19 by 3 x square and 19 sevens are please plus minus minus 19 sevens, 19 by 9 into 7 x, kya hoga 9 sevens are 3 6, 7 ones are 7 plus 133 by 9,
133 बाय 9x, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, कैंसल आगे। अब क्या हुआ, दो नंबर आए, कौन सा आए, कौन से दो नंबर है, कौन से दो नंबर है भाई, 7 प्लस 133 बाय 9, एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा 9, 9 7 जा 63 प्लस 133 डिवाइड बाय 9, 3 प्लस 3 6, 9 1 196 बाय 9 आया। सो क्या होगा फाइनल, 196 बाय 9x प्लस 8, फाइनल 196 बाय 9x है, यहां पे क्या है 3x है, 196x बाय 9 अपॉन 3x, xx गया, ये 3 इधर आ जाएगा, 9 3 27, सो फाइनल नंबर विल बी 196 बाय 9 3 27, इसको मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 196 बाय 9x प्लस 196 इनटू 7, क्या आएगा 196 इनटू 7, ये मैंने रैंडम सवाल बनाया है, दिस इज जस्ट द मियर प्रैक्टिस ऑफ डिवीजन, आपके पास मैंने बोला है वो ही करना है डिवीजन, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो राइट इट हियर, क्या आएगा बोलो, चलो ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सो 1372 बाय 27 माइनस में प्लस 8 डिवाइड बाय कुछ नहीं 1, तो इधर एलसीएम क्या आएगा 27 माइनस 1372 माइनस प्लस 27 8 सा, ये आपको करना है डिवाइड बाय क्या आने वाला है 27, सो योर फाइनल आंसर विल बी, योर फाइनल आंसर विल बी डिवाइड बाय 27 माइनस 1372 प्लस जो नंबर आएगा वो क्या आया 216, सो प्लस माइनस आपको करना है टू गेट द फाइनल आंसर, ओके। सो ये है डिवीजन फॉर चैप्टर 2, अब चैप्टर 2 में इतना करके जाओगे तो मेरे साइड से बोर्ड में भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 2।